सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन। आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं RBC बैंगलोर यानी कि RB कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बैंगलोर कैंपस का हम पूरा रिव्यू। और देखो, ऑलरेडी ब्रांडेड कॉलेज है, नो डाउट्स, इसकी पूरी हम डिटेल्स कवर करने वाले इस वीडियो में। और हर चीज इसमें कवर हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रीय विद्यालय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसकी लोकेशन की बात करें तो बैंगलोर में है कैंपस इसका, आपका कर्नाटका बैंगलोर के लोकेशन पे है कैंपस RBC। और RB कॉलेज जो है काफी प्राइवेट में देखा जाए तो काफी डिमांडेड कॉलेज है। अगर देखा जाए मेरे हिसाब से तो जो भी कुछ जो प्राइवेट कॉलेज है, जैसे कि आपका BIT बिलोर, बिश प्लानी, इस लेवल का कॉलेज आता है आपका RB कॉलेज आपका बैंगलोर का। क्योंकि इसका देखोगे ओवरऑल सबसे मेन इम्पोर्टेंट था प्लेसमेंट। इसका प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपको देखने को काफी हद तक बढ़िया मिलेगा। और RB इंजीनियरिंग कॉलेज का जो NRF रैंकिंग है, पता नहीं क्यों दिन पर दिन घट रहा है। और क्यों घट रहा है आपको भी पता है यार, आज के टाइम में NRF पर विश्वास करना छोड़ चुका हूँ। NRF रैंकिंग 2023 में 96 इंजीनियरिंग के लिए NRF रैंकिंग इस कॉलेज को मिला है। और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी है जो इससे बहुत नीचे लेवल के आते हैं, फिर भी आप देखोगे उसका NRF रैंकिंग काफी हद तक बढ़िया है। मैं किसी कॉलेज का फर्स्ट ईयर इसमें कमेंट नहीं करने वाला हूँ। तो NRF के चक्कर में हुए तो NRF कहीं ना कहीं इसको डाउन कर दिया है, बट रीजन वाइज देखा है तो प्राइवेट में काफी अच्छा कॉलेज है यार। बैंगलोर का कुछ ही मैं कॉलेज में कहूंगा, प्राइवेट में काफी अच्छे कॉलेज हैं और लेवल का कॉलेज है। और जहां पर आपका हद तक देखा है तो कंपनी से लेकर प्लेसमेंट और इन्वॉल्वमेंट जो मिलता है बहुत ही बढ़िया मिलता है। एडमिशन आपका 3 तरीके से यहाँ पर होता है। पहला जो एडमिशन का जो प्रोसेस है आपका KCET के थ्रू होता है, कर्नाटका जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट है, जो वहाँ के डोमिसाइल के हैं, कर्नाटका से बिलोंग करने वाले जो वहाँ के स्टूडेंट है उनके लिए खुद का पर्सनली एग्जाम होता है। वो बच्चे वहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, जो भी कर्नाटका के बाहर वाले, इंडिया में जो बाहर के बच्चे हैं, जैसे कि बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, अनदर स्टेट से जो बच्चे हैं, उनके लिए आपका जो एग्जाम होता है COMET-K के माध्यम से होता है। COMET-K के थ्रू आपका वहां पर एडमिशन होता है। तीसरा जो आता है आपका मैनेजमेंट कोटा, खुला में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू होता है। मैनेजमेंट कोटा किसके लिए होता है? जिसके पापा के पास दबा के पैसा है वो मैनेजमेंट कोटा का सीट भाई लेता है। मैनेजमेंट कोटा की फीस की बात कर ले तो ओवरऑल मिलाकर बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करूंगा तो यार कहीं ना कहीं 50-55 लाख रुपए लग जाता है आपका बीटेक सिर्फ पढ़ने में आपका यहाँ पर। और बाकी अगर बात करें जो KCET के थ्रू आते हैं, जो वहाँ के स्टूडेंट का फीस आपका 3.5 लाख रुपीज 4 ईयर्स का इसका ट्यूशन फीस होता है। वही अगर बात करें जो COMET काउंसिलिंग के थ्रू इनको एडमिशन मिलता है, लगभग 4 लाख रुपए सालाना ट्यूशन फीस आपको देखने को मिलेगा। ये बात रहा है ट्यूशन फीस मोड के बारे में। अब बात करते हैं एग्जैक्ट प्लेसमेंट क्या है। तो अगर यहाँ बात करें ब्रांचेस का, तो आपको यहाँ पर 10+ ब्रांचेस बीटेक में आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और जो डिमांडेड है अगर बीटेक कंप्यूटर साइंस की बात करें, एवरेज प्लेसमेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस का 2023 में जो है आपका गया है 11 से 12 लाख रुपए का एवरेज पैकेज है। और जो अदर ब्रांचेस है, खासकर आपका जो मैकेनिकल सिविल है, इसका एवरेज पैकेज आपको कहीं ना कहीं 6-7 लाख रुपए का को देखने को मिलेगा। अगर हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करो, ओवर सारे ब्रांचेस का मिलाकर जो प्लेसमेंट क्लेम करता है आपका मोर देन 60 लाख रुपीज का एवरेज प्लेसमेंट है। अगर प्लेसमेंट रेशियो की बात कर लू तो जो भी बच्चा यहाँ पढ़ता है कहीं ना कहीं उसको अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि आपका प्लेसमेंट आप यहाँ पर ले रहे हो तो आपको प्लेसमेंट मिलने वाला है, उसके लिए आपको अपना बीटेक में अच्छा CGPA मेंटेन करना पड़ता है, तभी आप किसी अच्छे कंपनी में प्लेसमेंट के लिए आप बैठ सकते हो मेरे फ्रेंड। और बात करें और भी ओवरव्यू के बारे में, तो आपको फैकल्टी में नो डाउट आपको अच्छे मिलते हैं, जो यहाँ के एलुमनाई जो पढ़ के निकल चुके हैं और कहीं ना कहीं अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हैं। कुछ यहाँ के ऐसे एलुमनाई है जो अच्छे जगह पर, कोई जैसे बायजू से को फाउंडर हो गया, जो यहीं से पढ़े हुए हैं, अनिल कुंबले का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे क्रिकेटर हैं, वो भी आपके यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं। ऐसे बहुत सारे आपको विकिपीडिया और जो भी सोशल पर आपके वेबसाइट है वहां पर मौजूद है। ये बात रहा इस कॉलेज का रिव्यू के बारे में। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वायरी आपके मन में होगा, आप मेरे से पर्सनली अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना। और किसी को डाउट आ रहा होगा एडमिशन की जानकारी और एडमिशन सपोर्ट में, किसी को सपोर्ट चाहिए, मेरे दिए हुए नंबर पर आप अपने कॉन्टेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।